नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हमारे हैं पूजा। खबर है कोतवाली थाना के कटरा से, जहां संजय गांधी अस्पताल में ही काम करे वाली नर्स अपने किराए के मकान में ही फांसी लगाए के आत्महत्या कर ली। अपना का बताए कि नर्स नरसिंहपुर के रहे वाली रही, जोने के कुछ समय पहले शादी भई रही। पुलिस का सुसाइड नोट बरामद भय ही, जोने के जाँच के बाद आत्महत्या के कारण के पता चल सकी। आज रीवा के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में कटरा मोहल्ले में एक नर्स यहां पर हैं, कृष्णा वर्मा, उम्र 28 वर्ष है जिनकी, जो कि संजय गांधी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है 2015 से। वो यहां पर निवासरत थी किराए के मकान में कटरा मोहल्ले पे। उन्हीं के द्वारा आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने अपने कमरे में पंखे में लगाकर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। बुलेटिन के दूसरी खबर है रीवा सिटी कोतवाली से, जहां के वार्षिक निरीक्षण करे खातिर एडीजी वेंकटेश्वर राव और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक थाना के साफ सफाई के साथ साथ थाना में आवे वाले पीड़ित लोगन के समस्या के सुनवाई कर के तुरंत निराकरण करे के निर्देश दिए। वहीं बुलेटिन के तीसर खबर जुड़ी है महाना नदी से, जहां एक युवक के शव मिला हवे। जब जानकारी मिली है ओके अनुसार गुलशन माझी अपने मामा के घरे आए रहे, जनकर शव नदी के किनारे मिले से गांव माही सनसनी फैल गए। प्रथम दृष्टि माही पुलिस करंट लगे से मौत का कारण माना लाही। वह परिजन के हत्या के आशंका बतावत लाहा। पुलिस मामला दर्ज करके जांच माही जुटी है। अरहर के खेत के नीचे, अरहर के खेत के नीचे। बुलेटिन के अगली खबर मिला लाही बैकुंठपुर से, जौन भू माफियन के साठ गांठ कह के महिला के पैतृक जमीन हड़पे से संबंधित है। महिला के बताए के अनुसार वो बम्बई में अपने पति के साथ रहत रही, जहां उनके पति के मौत हो गई। वह महिला के आरोप हवे कि उनके ससुरे के पैतृक जमीन में ही भू माफिया कब्जा करत लाहा। अपने नहीं, महिला जब कलेक्ट्रेट में शिकायत करे गये तब मोहन सभागार के सुरक्षा कर्मी महिला का अपशब्द कहिन और मारिन। सुनी पीड़िता के का कहा हवे। हमारा जमीन विवाद है, हमारा जमीन भू माफिया लोग भर से हैं और अपने नामे करा करा के ना उसमें लोन भी उठाए हैं, मंदिर को भी हड़पे हैं। अतिक्रमण हटवा में पुलिस शिकायत की है, उत्तराधिकार की दौड़ रही है। बॉम्बे से आती जाती पति बॉम्बे को प्रश्न सर्विस करते थे और उनका इंतकाल हो गया है एक्सीडेंट। हमारी फैमिली को परेशान न चाहिए, न खेती करने दे रहे, न खेत वाली करने दे रहे। पुलिस थाना में 70 शिकायत की, यहाँ भी कार्यालय में बड़े बड़े अधिकारियों से की, लेकिन कुछ राहत जब मिलती है तो उन घुमाफियों के जो चमचे हैं वो मारपीट के यहाँ से भगा देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, हमारे हाथ पैर तोड़ते हैं, मारपीट पीटते हैं। यहाँ तक कि मोहन सभागृह में मैं गई थी अगले मंगलवार 23 तारीख को शाम 3:30 बज रहा था, और वहाँ कलेक्टर साहब ना मौजूद होने के कारण मैं इंतज़ार कर रही थी, परंतु वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड महिला हैं गेट में बैठती हैं, उन्हें बार बार परेशान करती, मारती पीटती रहती हैं। तो उसमें मोहन सभागृह में भी जाती रहती। अगली खबर ही भाई रायपुर करचुलियान से, जहाँ के रायपुर करचुलियान ब्लॉक के बीपीएल कार्डधारी सुरसा कला के सेल्समैन से खासा परेशान हमा। कार्डधारी के आरोप हवे कि सेल्समैन अनिल वर्मा उनसे कई एक महीना के साइन करवाए ले थमा, लेकिन एक महीने के राशन दे थमा। यही के लाने अब कार्डधारी कलेक्टर कार्यालय पहुँच के सेल्समैन के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के मांग कर रहा। अपना सुनी लोगन के समस्या। मैं कलेक्टर साहब का वेदन दिया दो बार, मतलब 26/10/2021 का दिया। अनिल कुमार वर्मा कोटेदार हैं सुरसा कला पंचायत के, और एक शिकायत करें 21/10/2021 का कलेक्टर साहब को। फिर आवेदन हम दिहन अनुविभागीय अधिकारी रायपुर का चिल्जान, फिर सीओ साहब का दिहन एक आवेदन 18/10/2021 का, मतलब राशन जुलाई अगस्त का एक एक महीना कोटेदार राशन दीहन, और इसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब एक भी राशन नहीं दीन गाँव।
और जब राशन के लाने मात तीन जाती सात सात आदमी गए तो कहा था कि मतलब ऊपर कंप्लेन करे है तो मतलब राशन न दीन जाइए, इस तरह से बात करी। अगली खबर रीवा सिटी कोतवाली के तरहटी से है, जहां वक्त इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार तहसीलदार के ऊपर रिश्वत के आरोप लगाए। उनके अनुसार तहसीलदार का रिश्वत चाही, यही से वो काम नहीं करत लाग हम, जबकि एसडीएम और कलेक्टर मस्जिद के चार छह आदेश पहले दे चुके हम, एक खातिर वो फिर से कलेक्टर का ज्ञापन सौंपी नहीं भाई, जोड़े से उनका मस्जिद के चार्ज जल्दी से जल्दी मिल सके। सुनी मोहम्मद इब्रार के का कहा है। भोपाल बबगुड़ से फैजुल्ला मस्जिद तरहटी की नई कमेटी गठित हुई है 11 सदस्य की, उसके चार्ज का आदेश सीओ साहब ने कर दिया है और वहाँ से मुख्य सचिव साहब ने भी फ़ोन कर दिया था कि इनको चार्ज दिलवा दिया जाए। यहाँ पर आने पे कलेक्टर साहब को आवेदन दिया गया तो कलेक्टर साहब ने भी आदेश कर दिया था, तो एसडीएम साहब के पास गई थी फाइल और एसडीएम साहब ने आदेश किया तहसीलदार साहब को, तहसील हुजूर रीवा को, उनके द्वारा अभी तक मस्जिद का चार्ज नहीं दिलवाया जा रहा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कई बार हम लोगों को चक्कर लगवाया, हमारे अध्यक्ष महोदय के चक्कर लगवाया, तो तहसीलदार महोदय साहब खर्चा पानी की जुगाड़ में है कि गुरुवार का सकरनेन रेलवे स्टेशन माही खादी के खेप पहुंच गए, लेकिन खादी आवे के जानकारी लगता है किसानन के भीड़ जुटाए गए और मंडी के गेट माही ताला बंद कर के किसान चक्का जाम कह दिए। प्रशासन के काफ़ी देर के समझाइश के बाद मंडी के ताला खुलवावागा और बीड़ा से मरिया रास्ता के बहाल कीनगा। वहाँ अधिकारी बताएं कि खादी के तीन और रैक रीवा पहुँचा लाही, जो उन्हें का पोर्टल में चढ़ाए के बाद वितरण कीन जाई। अपनों देखी सलगी व्यवस्था, किसानन के चक्का जाम और अधिकारियों के का कहा है। किसानों ने सुबह 10:30 बजे कुछ करीब 50 किसानों ने मिलकर चक्का जाम की स्थिति निर्मित की थी। प्रारंभिक तौर पर उसको उनको हटवा लिया गया बातचीत करके। उनकी मांग ये थी कि जो अभी खाद का जो वितरण है वो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, तो खाद वितरण सभी को किया जाए। तो इसको लेके उनको बताया गया, सूचित किया गया कि खाद अभी आज ही आई है, वो पहले पोर्टल में चढ़ जाए और वितरण हम आज या कल या परसों से प्रारंभ कर देंगे, ये कहते हुए उनको वहां से हटवाकर समझाइश दी गई। देखिए रीवा के तमाम खबर अब। नमस्कार।